नमस्कार, टारगेट विद आलोक के साप्ताहिक करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्रा। अपने इस खास सेशन में हम बीते सप्ताह की उन बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपकी परीक्षाओं से होता है। तो चलिए आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के महान हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझी का मोहाली के फोर्टिज अस्पताल में 25 मई को निधन हो गया। बलबीर सिंह सीनियर भारत के इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जो तीन बार लंदन 1948, हेलसिंकी 1952 और मेलबर्न 1956 ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता टीम के सदस्य थे। श्री बलबीर सिंह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी द्वारा आधुनिक ओलंपिक इतिहास के 16 महान खिलाड़ियों में शामिल होने वाले देश के इकलौते खिलाड़ी थे। हेलसिंकी ओलंपिक में बलबीर सिंह सीनियर ने कुल 13 गोल किए थे। उन्होंने इसी ओलंपिक के सेमीफाइनल मैच में ब्रिटेन के खिलाफ हैट्रिक लगाई थी, जबकि फाइनल मुकाबले में नीदरलैंड के खिलाफ 6 में से 5 गोल अकेले बलबीर सिंह सीनियर ने लगाए थे, जो अब तक फाइनल मुकाबले में एक खिलाड़ी द्वारा सबसे ज़्यादा गोल का रिकॉर्ड है। बलबीर सिंह सीनियर को वर्ष 1957 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पहला मौका था जब किसी खिलाड़ी को यह सम्मान मिला था। बलबीर सिंह सीनियर साल 1975 में एकमात्र हॉकी विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के मैनेजर थे, जबकि टीम के कप्तान अजीत पाल सिंह थे। अक्षय कुमार की अभिनय वाली वर्ष 2018 में आई हिंदी फिल्म गोल्ड बलबीर सिंह के जीवन पर आधारित थी। इसमें बलबीर सिंह का किरदार सनी कौशल ने निभाया था। मिस्र का वरदान कही जाने वाली नील नदी पर इथोपिया एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है, जो मिस्र और इथोपिया के बीच विवाद का विषय बना है। दरअसल दुनिया की सबसे लंबी नदी व्हाइट नील और ब्लू नील नदी के मिलने से प्रकट होती है, जो अफ्रीका के इथियोपिया, युगांडा, सूडान और मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में विलीन हो जाती है। नील नदी जल विवाद इन अफ्रीकी देशों के बीच तकरीबन एक दशक से चल रहा है। व्हाइट नील नदी अफ्रीका के युगांडा, दक्षिणी सूडान, सूडान, मिस्र आदि 8 देशों से होकर प्रवाहित होती है, जबकि नील नदी के प्रमुख सहायिका ब्लू नील नदी पूर्वी अफ्रीका के इथियोपिया और सूडान से प्रवाहित होती है। जब 2011 में इथियोपिया ने ब्लू नील नदी पर ग्रैंड रेनेसा बांध के निर्माण का कार्य शुरू किया, तो मिस्र और सूडान ने इस निर्माण पर आपत्ति जताई थी। जब यह बांध बनकर तैयार होगा तो यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा बांध होगा, और इथियोपिया का मानना है कि इस नवनिर्मित बांध से तकरीबन 6000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। आज इथियोपिया की 65% आबादी विद्युत की कमी से जूझ रही है। इस बांध के निर्माण से देश के विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ पड़ोसी देशों को विद्युत आपूर्ति करके राजस्व में वृद्धि की भी संभावना है। हालांकि अमेरिका इस विवाद को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका लिए सामने आया है। आशा है कि अमेरिका के नेतृत्व में दोनों देश किसी सकारात्मक निर्णय पर जरूर पहुँचेंगे। गालवन घाटी को लेकर भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। नतीजन दोनों देशों ने अपने सैनिकों की मौजूदगी LAC पर बढ़ा दी है। चीन ने इस तनाव की वजह भारत को बताया है। चीन ने कहा कि भारत इस इलाके में रक्षा संबंधी गैरकानूनी निर्माण कर रहा है। भारत और चीन दोनों ने लगभग एक साथ साम्राज्यवादी शासन से मुक्ति पाई। मुक्ति के पश्चात भारत सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को अपनाया, वहीं चीन दिखावे के लोकतंत्र को अपनाया। यानी चीन ने नागरिकों के साथ साथ पड़ोसी देशों के साथ भी तानाशाही रवैया अपनाया, जिसमें चीन की प्रमुख नीति विस्तारवाद की थी। इसकी एक झलक आज LAC पर साफ देखी जा सकती है। वर्ष 1950 में चीन तिब्बत पर आक्रमण कर वहां कब्जा कर लिया, तब भारत और चीन की सीमा आपस में मिलने लगी और दोनों एक दूसरे के पड़ोसी बन गए। 1954 में भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और झोउ एनलाई ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया और पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किया, ताकि दोनों देशों के मध्य शांति व्यवस्था स्थापित करने के साथ साथ व्यापार और अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाया जा सके। लेकिन कुछ ही वर्ष बाद 1959 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा और तिब्बती शरणार्थी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आकर बस गए, जिससे चीन नाराज होकर
भारत पर साम्राज्यवाद के विस्तार का आरोप लगाने लगा। नतीजन 1962 में दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ, जिससे द्विपक्षीय समझौतों को गंभीर झटका लगा। आगे चलकर वर्ष 1976 में दोनों देशों ने एक बार फिर राजनीतिक संबंधों को बहाल कर दिया। इसके बाद भारत चीन रिश्ते में धीरे धीरे सुधार होने लगा। वर्ष 1988 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया ताकि दोनों देशों के रिश्ते को सुधारा जा सके। 1992 में राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने चीन का दौरा किया। वे चीन का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपति थे। श्री गांधी के नीति को ही आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी चीन का दौरा किया और सीमा विवाद के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसे चीन भारत संबंध में सिद्धांतों और व्यापक सहयोग पर घोषणा के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2011 में चीन भारत विनिमय वर्ष और 2012 में चीन भारत मैत्री एवं सहयोग वर्ष के रूप में मनाया गया। इसके बाद वर्ष 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री के चीन दौरे के साथ नाथुला दर्रा तीर्थयात्रियों के लिए खोलने का फैसला किया गया। 2018 में चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच वुहान में भारत चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसके अगले वर्ष 2019 में चेन्नई में दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इन तमाम प्रयासों के बावजूद भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पहले जैसा ही बना हुआ है। साथ ही चीन के विस्तारवाद की नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया, हालांकि समय के साथ चीन की यह नीति और तेजी से बढ़ती जा रही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या ILO ने भारत में श्रम कानूनी स्थिति को लेकर चिंता जताई है। ILO ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि इस संबंध में राज्यों को स्पष्ट संदेश दिया जाए। इसी महीने के शुरुआती दिनों में 10 केंद्रीय श्रम संगठनों ने आवेदन किया था कि देश में श्रम कानूनों के निलंबन के मुद्दे पर ILO हस्तक्षेप करे। लिहाजा इस मुद्दे पर ILO संज्ञान लेते हुए श्रम संगठनों को पत्र लिखते हुए ILO के अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक विभाग के फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन शाखा के प्रमुख करेन कर्टिस ने कहा कि ILO के महानिदेशक गई राइडर ने श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। ILO ने पाया कि राष्ट्रीय संगठनों ने राज्य सरकारों के कदमों पर जो शिकायत दर्ज कराई है, उसके मुताबिक राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों और श्रम कानूनों की अवहेलना की है। दरअसल COVID-19 महामारी के दौर में उत्पादन और मांग में कमी के मद्देनज़र देश के तमाम उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में राज्यों और केंद्र सरकार के लिए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। लिहाजा उत्तर प्रदेश गुजरात सरकारों ने अपने अपने श्रम कानूनों में बदलाव करके कुछ समय के लिए उन्हें निलंबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगले 3 सालों के लिए विशेष कानूनों को छोड़कर लगभग 35 श्रम कानूनों के प्रावधानों से व्यवसायों को छूट देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने 26 मई 2020 को एक रिपोर्ट जारी करके कहा कि भारत अब तक की खराब मंदी की स्थिति का सामना कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आज़ादी के बाद यह चौथी और उदारीकरण के बाद की पहली सबसे भीषण मंदी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि COVID-19 महामारी और उसकी रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष में 5% की गिरावट आने की आशंका है। सामान्य होने में इसको 3 से 4 वर्ष का समय लग सकता है। इसमें पहले 28 अप्रैल को क्रिसिल ने GDP ग्रोथ रेट 3.5% से घटाकर 1.8% रहने का अनुमान लगाया था। एजेंसी के मुताबिक पिछले एक महीने में भारत की आर्थिक स्थिति और बिगड़ी है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का मानना है कि पिछली 3 बड़ी मंदी 1958, 1966 और 1980 में आई थी, जिससे तीनों मंदी की प्रमुख वजह खराब मानसून था, जिससे अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ था। एजेंसी ने आगे कहा कि चालू वित्त की पहली तिमाही सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी और टूरिज्म जैसे सेक्टर का सबसे बुरा हाल होगा, क्योंकि यह क्षेत्र
बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देता है, जबकि कृषि क्षेत्र में राहत की उम्मीद है क्योंकि अनुमान लगाया गया है कि मानसून सामान्य रहेगा। इससे कृषि के क्षेत्र में 2.5% बढ़ोतरी का अनुमान है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम या नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने फास्टैग, रुपए और UPI जैसे उत्पादों के बारे में रियल टाइम जानकारी और जागरूकता पैदा करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है। भारत में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया जा सके, साथ ही भारत में डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जा सके, इस लिहाज से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट चैटबॉट 24 घंटे प्रत्येक दिन लोगों को NPCI के सभी पेमेंट से संबंधित प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। ग्राहक NPCI रुपए और UPI की वेबसाइट पर टेक्स्ट या आवाज़ के जरिए अंग्रेजी या हिंदी किसी भी भाषा में अपने सवाल पूछ सकते हैं, जिसका उत्तर PAI के माध्यम से ग्राहकों को तुरंत मिल जाएगा। PAI को बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप कंपनी को रोवर प्राइवेट लिमिटेड ने विकसित किया है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 20 करोड़ से ज़्यादा उपयोगकर्ताओं को लाभ मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI मशीनों द्वारा प्रदर्शित वृद्धि है जो अपने पर्यावरण को देखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम राज्य ने 22 मई को संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। बैठक के बाद राज्य खेल मंत्री रॉबर्ट रोमानिया रॉयटे ने कहा कि मंत्रिमंडल ने खेल और युवा मामले के विभाग के खेल को उद्योग का दर्जा देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रॉयटे ने इस फैसले को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व करार देते हुए कहा कि इस प्रस्ताव से खेल और इससे जुड़े क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर विकास होगा और खेलों के समग्र विकास के प्रति राज्य प्रतिबद्ध होंगे। मिजोरम खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। श्री रॉयटे ने इस फैसले से राज्य में रोजगार के अवसरों की वृद्धि की उम्मीद जताई है। हाल ही में 27 मई को कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए WHO ने WHO फाउंडेशन नाम से एक संस्था की घोषणा किया है। आज दुनिया का हर देश कोविड-19 की महामारी से लड़ रहा है, उसी क्रम में इस फाउंडेशन की स्थापना की गई है। इस फाउंडेशन में किसी महामारी से निपटने के लिए फंड इकट्ठा की जाएगी, जिसमें बड़े देशों और आम नागरिकों से भी सहायता ली जाएगी। बीती 27 मई को WHO के डायरेक्टर टेड्रोस अधानम ने इसकी घोषणा की। आपको बता दें कि यह एक स्वतंत्र संगठन होगा। अधानम ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस संस्था के निर्माण का प्रस्ताव 2018 के फरवरी माह से ही लंबित है। WHO की माने तो यह वैश्विक स्तर पर लोगों के स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए संगठन फंड देगा, लेकिन ध्यान रहे कि वैधानिक तौर पर यह संगठन WHO से अलग होगा। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस ने समाचार पत्र में छपी खबर के मद्देनज़र यह फैसला लिया कि कोविड-19 के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल न किया जाए, यह हृदय के लिए जानलेवा हो सकता है। फिलहाल के लिए WHO को हर सदस्य देश सहायता राशि देता है और उसी को विश्वभर में आने वाली आपदाओं के लिए WHO मदद के लिए इस्तेमाल करता है। हाल ही में कोविड-19 के मुद्दे पर अमेरिका ने WHO को दी जाने वाली सहायता राशि पर रोक लगा दिया। गौरतलब है कि WHO की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि उसका मौजूदा बजट $2.3 बिलियन है, जो एक वैश्विक संस्था के रूप में काफ़ी कम है। संगठन ने यह भी कहा था कि अमेरिका के फंडिंग रोकने से संकट और बढ़ गया है, लिहाजा हमें अतिरिक्त फंडिंग की ज़रूरत है। आंध्र प्रदेश सरकार ने रीस्टार्ट नाम से एक योजना की शुरुआत किया है। इस योजना के तहत तकरीबन 98,000 MSMEs को लाभ देने की उम्मीद जताई जा रही है। 1100 करोड़ रुपए के लागत से शुरू की गई इस योजना की 450 करोड़ रुपए की पहली किस्त सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन की वजह से सुस्त पड़ी आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के साथ साथ अधिक से अधिक रोजगार पैदा करना है।
प्रदेश सरकार के अनुमान के अनुसार ये MSMEs कुल 10 लाख से अधिक रोजगार पैदा करेंगी। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार कुल 350 से अधिक उत्पाद इन MSMEs से क्रय करेंगी। इसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा 45 दिन के भीतर किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा कुल क्रय किए गए उत्पादों का 25% भाग सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से, 4% SC/ST उद्यमियों से और 3% भाग महिला उद्यमियों से किया जाएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने लाख की खेती को कृषि घोषित करने के लिए वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। दरअसल वन विभाग ने प्रस्ताव पेश किया था कि लाख की खेती किसानों के लिए फायदेमंद और उपयुक्त है, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताई। मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से लाख उत्पादन में लगे किसानों को फायदा होगा। अब लाख उत्पादकों को भी सहकारी समितियों से अन्य किसानों की भांति आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकेगा। छत्तीसगढ़ भारत में प्रमुख लाख उत्पादक राज्यों में से एक है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने पूर्व विश्व चैंपियन और खेल रत्न पुरस्कार विजेता मीराबाई चानू का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए प्रस्तावित किया है। महासंघ चानू के साथ कुछ और खिलाड़ियों का नाम भेजा है, जिसमें रगाला वेंकट, पूनम यादव जैसे नाम शामिल हैं। भारत ने अपने पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान की तैयारी शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत चुने गए भारतीय वायुसेना के 4 फाइटर पायलट को रूस में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया। इस अभियान के तहत वर्ष 2022 में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर भारत अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा, जिसके लिए कुल 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है। इस मिशन को 3 चरणों में पूरा किए जाने की उम्मीद है, जिसके तहत दिसंबर 2020 और जून 2021 में 2 मानव रहित मिशन जबकि 2022 में मानवयुक्त अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा। मिशन गगनयान का उद्देश्य अंतरिक्ष में भारत का पहला मानवयान भेजने के साथ साथ नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करना है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारे इस पूरे न्यूज बुलेटिन के PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।